एक्सक्लूसिव खबर है जिसकी तरफ हम बढ़ने वाले, डिफेंस सेक्टर से जुड़ी ये एक्सक्लूसिव खबर आ रही है और पूरी डिटेल लेकर हमारे संवाददाता अनुवेश रथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुवेश, मॉर्निंग, जरा बताइए क्या बड़ी खबर है, कैसा इम्पैक्ट रहेगा? गुड मॉर्निंग नेहा, अगर हम बात करें तो इस बार एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है HAL से। जैसे कि हम जानते हैं लगभग अगले 7 से 8 साल में HAL जो है वो लगभग 180 फाइटर जेट तेजस MKI-1 Alpha बनाने जा रहा है, जो अलग अलग जगह से उसको ऑर्डर्स मिले हैं उसके ऑर्डर्स के चलते। तो अगर आप देखें तो HAL खुद में इतने 7-8 साल में 180 फाइटर जेट बनाने की क्षमता अभी नहीं रखता है, लेकिन वो कई सारे ऐसे थर्ड पार्टी के साथ ऑर्डर दे सकता है, जो कंपनियां जो है वो HAL को ये फाइटर जेट बनाने में मदद कर सकती हैं। अगर नाम लेके इन कंपनियों का बताया जाए तो L&T डिफेंस जो है वो इसमें काफी मदद कर सकता है, भारत डायनामिक्स, नेशनल एरोस्पेस एजेंसी और ऐसी तमाम जो कंपनियां हैं ये काफी HAL को मदद कर सकती हैं यहाँ पे उनका तेजस MKI को बनाने के लिए। अगर इसी के साथ साथ बात की जाए जो करंट कैपेसिटी है HAL की तेजस MKI-1 Alpha बनाने की, वो 16 के लगभग है, जिसको 2027-28 तक ये बढ़ा के 30 तक करने की बात कर रहे हैं। वहीं पे अगर इस पर बात की जाए जो सबसे बड़ा चंक है वो इस डील का वो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज को जाएगा, वहीं पे जो सेकंड बिगेस्ट चंक है वो भारत डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज को जा सकता है, ऐसा हमारे सोर्सेस का कहना है। वहीं पे जो रेडार्स और एवियोनिक्स की बात है वो BEL को एक बड़ा चंक मिलने की बात यहाँ पे हमारे सोर्सेस पे कही जा रही है। ऑलराइट अनवेश, थैंक यू सो मच वो एक्सक्लूसिव डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो इस खबर पे भी रहेगी बाजार की नजर।